श्रद्धालु तो मैं हुई, सरस्वती पूजा तो हम जमशेदपुर के हैं तो हमारे यहाँ तो ज़रूरी होता था। वसंत पंचमी शुरू हो जाए इसके बाद बेर खाने का टाइम शुरू हो जाता है तो, और सरस्वती तो एज अ स्टूडेंट हम लोग करते ही थे। और यहाँ बहुत अच्छा लगा कि दादा ये रिचुअल को कंटिन्यू रखते हैं, तो जब भी मैं इंडिया में हूँ यहाँ तो मैं ज़रूरी आती हूँ 100%। कैसा माहौल है, कब हम देख रहे हैं कि बहुत ही टाइम से आप यहाँ प्रेजेंट हैं, आपने दर्शन भी किया तो? हाँ, दर्शन किया, पुष्पांजलि दिया, भोग खा लिए, प्रसाद खा लिए, तो बस ये इसके लिए तो आती हूँ। तो यहाँ का माहौल इतना मैं कहूँ स्पिरिचुअल लगता है, और ख़ुद को भी ये नहीं कि उठे जल्दी जल्दी नमस्ते करें और जाए, यहाँ बैठ के सुनने को बात करने को मन करता है। जी भी यहाँ पर है, आप बताइए। हम तो जब से यहाँ स्टार्ट हुई है तब से यहीं बांगुड़ नगर में मैं रहता हूँ, अभी तो नहीं वहाँ चला गया हूँ, बट जब से दादा का स्टार्ट हुआ है तब से मैं यहाँ आना है। और यहाँ का वातावरण सरस्वती पूजा का तो वो हर साल का एकदम अलग ही, कोई ऐसा साल, बहुत ही कम साल ऐसे होते हैं जो आज तक हम यहाँ नहीं हैं। इनका ये और इनका वो काली मंदिर है कि यहाँ पे काली पूजा में वो दादा का जो उमंग उत्साह, धूप नाच, ये वो दादा के जो मैंने बिल्कुल जो है ना वो रियली में देखने जैसी होती है। सरस्वती जी से मैं विद्यम देही मेन वही है, यशो देही विद्यम देही आज सीख लो। ये मैं यहाँ पे आई थिंक सेकेंड टाइम आ रही हूँ, बहुत साल पहले मैं आई थी अपनी सिस्टर के साथ, सो इट्स रियली गुड टू बी हियर। एंड अभिषेक इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड एंड मेरा कनेक्शन विथ सरस्वती भगवान इज़ लाइक इट गोज़ वे बैक, बिकॉज आई थिंक बंगाली हाउस होल्ड में इट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट। हम ये पूजा हर साल करते हैं, जमशेदपुर में हम घर पर करते थे, सो वी यूज़ टू हैव हर एट होम, और हम सब अपने बुक्स रखते हैं। सो रिमेंबर एज अ चाइल्ड हम घर के सारे बुक्स रख देते थे कि जितना हमें ब्लेसिंग मिल सकता है भगवान से मिल जाए ताकि हम एग्जाम पास करें, बिकॉज वी यूज़ टू हैव आवर एग्जाम आफ्टर सरस्वती पूजा। सो या आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ फन एंड हम बेर, यू नो बेल बेर, हाँ, सो वी जनरली हैव इट आफ्टर दिस पूजा, सो वी टू अगेन वेट कि कब ये पूजा करेंगे, और हम प्रसाद में वी जनरली ऑफ, आई डोंट नो हाउ इट इज़ हियर, बट वी जनरली ऑफर दैट, दैट्स द प्रसाद फॉर द पूजा। सो आई जस्ट गॉट रेडी एंड आई केम विथ माई फैमिली, माई पेरेंट्स, जैसे मुझे मालूम पड़ा, बिकॉज लास्ट ईयर और लास्ट ईयर के पहले भी मैं शूट कर रही थी, आई वॉज ट्रैवलिंग, सो आई कुडंट कम, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे आई एम हियर इन बॉम्बे, सो आई कुड कम, एंड द इंटायर वाइब इज़ वेरी डिफरेंट। आई थिंक वो माहौल ही अलग है, एंड यू वेयर योर इंडियन क्लोथ्स एंड यू मीट ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो इट्स गुड फन। आई एम वेरी कंफर्टेबल इन अ सारी, इन फैक्ट थैंक्स टू द टीवी शोज दैट आई हैव डन आई एम अ प्रो, आई कैन वेयर अ सारी वेरी फास्ट, सो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एंड आई पर्सनली लव वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स, मुझे घाघरा साड़ी पहना बहुत पसंद है, इनफैक्ट बंगाली ट्रेडिशनल साड़ी ऑल्सो आई लव वेयरिंग, दो दैट टेक्स लिटिल मोर टाइम टू वेयर बिकॉज इट्स लिटिल डिफिकल्ट, बट आई लाइक इंडियन इंडियन क्लोथ्स। ऐसे कोई स्पेशल नहीं, बट आई वुड ऑलवेज से बिकॉज शी इज़ अ देवी ऑफ एजुकेशन ऑफ यू नो एवरीथिंग, सो आई वुड जस्ट टेल हर टू गिव मी ऑल हर ब्लेसिंग्स एंड नॉट जस्ट मी, टू ऑल ऑफ अस, टू ऑल द किड्स एंड एवरीबडी, दैट्स इट। किडिंग आई थिंक इज रियली फनी एंड इज वेरी क्यूट, दैट्स व्हाई आई लव हिम एंड आई थॉट मे बी नो ही इज़ नॉट हियर, अच्छा मुझे लगा फिर पीछे से कुछ कर रहे हैं, बट नहीं, थैंक यू सो मच। সপ্ত সুরের সমস্ত সঙ্গীত শিল্পী বৃন্দ, हाँ जी, हर साल आप करते हैं और बहुत ही एक्टिव रहते हैं, हम देखते हैं कि माहौल बहुत ही अच्छा माहौल है, तो आप बताइए आप क्या कुछ पूरी है आपकी।
वैसी फीलिंग है। इस बार फीलिंग थोड़ा सा मतलब क्या है, 25वां साल और प्रीतम नहीं है इस साल, तो हाँ वो मोबाइल पे देख रहे हैं बार बार, वीडियो कॉल पे, दोहा में है वो, दोहा से वीडियो कॉल कर रहा है, वो भी मिस कर रहा है जितना हम उसे मिस कर रहे हैं, कुछ उसके फ्लाइट के लफड़े हो गए। लेकिन हाँ प्रीतम इस बार, बहुत सालों बाद ऐसा है कि प्रीतम नहीं है साथ में, लेकिन ठीक है, बस ज़िंदगी है। और 25 साल हो गए देखते देखते यार, और इस जगह पे इस मैदान में शायद 15 साल हो गए, कैसे टाइम बीता पता नहीं चला। और 25 साल भी हमें पता नहीं था, कल प्रीतम की मम्मी ने और मेरी मम्मी ने याद दिलाया कि 25 साल हो गए। नहीं पूजा हो गई, देखिए स्पेसिफिक क्या पूजा चलती है, इनमें से किसी को भी ऐसे हम इनविटेशन नहीं देते, लोग आ जाते हैं तो अभी कौन आएगा मुझे भी नहीं पता। सो जो पता होता है वो भी कम, जैसे प्रियंका की मम्मी आई सरप्राइज है मेरे लिए, और उनको पता था वसंत पंचमी में आ गई, और प्रियंका होती तो वो भी आती है नहीं यहाँ पर, तो जो जो यार दोस्त है जो साथ में काम कर रहे हैं जिन्हें पता है, इट्स नाइस, सब आ जाते हैं। आप माँ माँ का आशीर्वाद लेने, पूजा तो जैसे माँ सरस्वती, क्योंकि हम सभी देखें माँ सरस्वती के ही मतलब इनो, और तो सब आते हैं। कोई ऐसा मंत्र जो बंगाली का एक आप गुनगुनाना चाहें, कोई भी जो आप के करीब एक गुलाई? वो नहीं, माँ के सामने ऐसे कैमरे में नहीं बोलूँगा, मैं भी बोलूँगा। अच्छा ठीक है, चलिए थैंक यू। Or the web. Arun, ruk. Both of you? Okay. Yeah, both of you look here. Can you happen? एक्चुअली मेरा पहली बार मैं सरस्वती पूजा के लिए आ रही हूँ, यूजुअली 2-3 साल से जो दुर्गा पूजा होती है उसके लिए आई एम ऑलवेज देयर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी मैंने दर्शन नहीं किया है, बट इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी पंडाल, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू गो एंड टच फीट एंड डू ऑल दैट, क्योंकि मुझे नहीं करने को मिलता है बिकॉज आई एम अ मुस्लिम एंड मेरे घर पर नहीं होता, सो आई वेट फॉर दीज लाइक इवेंट्स जो और लोग कर रहे होते हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड। आई थिंक इट्स आल्सो कि बॉम्बे में एक्चुअली अपने जो सार्वजनिक बंगाली जो सब कुछ होते हैं उसके अलावा एक्चुअली नहीं होता, बिकॉज ये सारे पंडाल जो लगते हैं, ये जो गैदरिंग होती है ज़्यादातर बंगाली लोग ही करते हैं, एंड आई समहाउ समवेयर कंसिडर माई सेल्फ हाफ बंगाली, सो दादा के एक्चुअली सरस्वती पूजा में मैं ये दूसरी बार आया हूँ, पिछली बार बहुत साल पहले था व्हेन आई वाज इंडस्ट्री में बच्चा, तो उस वक्त और अभी आना, हाँ जी, और मैं खुद आया हूँ शायद 10-11 साल पहले, सो वो भी एक बात है, एंड इट्स ग्रेट, आई मीन 25 साल एंड आप देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे आए हैं, कितनी अच्छी तरह से सब घुल मिल रहे हैं, अभी म्यूजिक होगा, खाना वाना होगा, बहुत मजा आएगा, देयर विल बी म्यूजिक, देयर इज ऑलवेज म्यूजिक, डांस ऑब्वियसली, नो आई लव गेटिंग रेडी, और ऐसे पंडाल में बंगाली डांस क्या होता है, मतलब विद दैट थिंग आई विल ट्राई, इट्स ऑल फन। यार मन्नतें तो बहुत हैं, हसरतें ही हसरतें हैं, और क्या है जिंदगी में, वाह वाह वाह, ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन यार मन्नत यही रहती है कि मेरा काफ़ी कुछ काम तो मेरी आवाज़ पे डिपेंड करता है, चाहे मैं गा रहा हूँ, चाहे मैं होस्ट कर रहा हूँ एक्टिंग में ऑफकोर्स, तो मेरा तो यही रहता है कि यार सरस्वती माँ सबको एक बहुत खूबसूरत आवाज़ दे, बिकॉज म्यूजिक इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, आयशा मेरे बगल में खड़ी है, आयशा जब गाना गाती है तो ऐसा गाती है कि मतलब आपके माइक फट जाएंगे, कैमरा टूट जाएगा, इसलिए मैं इस साल उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आयशा को एक अच्छी आवाज़ दे, थोड़ी सी अगर थोड़ी सी बेटर हो जाए तो माँ मेरे ऊपर बहुत ऐसे ब्लेसिंग्स होंगे माँ की। बंगाली की, अरे वो यार बंगाली में तो मुझे एक ही गाना आता है,
if she knows the lyrics. Dekho alo alo akash, dekho akash tara e bhara, dekho jawa nara. Ah, see, this is where I get confused. Thoda ho jata hai. यही मेरा भी यही हाल है एक्चुअली आयशा जैसा ही हाल है इवन इफ यू हम इट्स सो स्वीट चैंग की आवाज इतनी स्वीट है हम करते करते भी इट्स वेरी नाइस आई एम अ फैन ऑफ यू उड़े जाए फास्ट कखन कखन धीरे जाए पूरे फिरे जाए ना 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 आगे याद करूंगा कि ये मेरा ही गाना मुझे याद नहीं है वेरी बैड थैंक यू सो मच गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड स्टडीज और बचपन में आई रिमेम्बर मम्मी हमेशा किताब और पेंसिल पेन जिससे एग्जाम लिखना होगा ना वो हमेशा माँ के चरण में रखती थी आज तो खैर कुछ है नहीं रखने के लिए अब हाँ ऐसा लगता था कि माँ के चरण में रख दिया तो पढ़ना नहीं पड़ेगा तो हम सारी किताब रख देते पेन पेंसिल सब अब तो खैर वो भी नहीं है बट इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग मेरे लिए दुर्गा पूजा हो काली पूजा हो आई थिंक फॉर मी इट्स द होल इट्स अ कल्चरल सेलिब्रेशन जो मज़ा आता है लोगों के साथ मुलाकात होती है पूजा टू पूजा हॉपिंग जो होती है साल में दो तीन बार और लोगों से मिलना होता है खिचड़ी खाने को मिलता है साड़ी पहनने को मिलता है सो आई थिंक इट्स अ कल्चरल सेलिब्रेशन फॉर अस ऑलवेज अनुराग बासु की पूजा में कितने साल से आई थिंक जब से आई हैव नोन हिम हो गए बहुत साल सिर्फ लास्ट ईयर आई वॉज नॉट देयर आई वॉज आउट ऑफ टाउन लेकिन बहुत साल हो गए एक्चुअली चार पाँच छः साल आई थिंक बर्फी किस साल में हुई थी उसके पहले से और कुछ
बचपन में तो क्या मैं यहाँ थी नहीं, मेरे को बॉम्बे आए हुए अभी, आई वॉज इन ईयर 97, बट अदरवाइज बचपन में वही मम्मी सारे किताबें लेके स्कूल के, यू नो, किताब पेंसिल पेन जिसे एग्जाम लिखेंगे वो सब रख देते थे माँ के चरण में, क्योंकि ऐसा बिकॉज सरस्वती इज़ द गॉडेस ऑफ नॉलेज, तो ऐसा होता था कि भाई हम पास हो जाएंगे, उनके चरण में रख दिया, तो बस. तो दिस वॉज वन ऑफ माई फॉन्डेस्ट मेमोरीज आई थिंक ऑफ सरस्वती पूजा, टू कीप ऑल आवर बुक्स बाय हर फीट.
से बहुत खुशी होती है, बहुत कम होता है बॉम्बे में इस टाइप से सेलिब्रेशन, तो बहुत अच्छा लगता है जब नॉर्मली ये सब चीज़ें हम दिल्ली में नवरात्रों में उस तरीके से देखी जाती थी। और यहाँ दादा हम काफ़ी आई थिंक पाँच छः सालों से आ रहे हैं, 25 साल से आ रहे हैं और 25 साल से ये चीज़ चल रही है। तो बहुत मैं चाहूँगा कि ये ज़िंदगी भर दादा करते रहें, बहुत अच्छा एक पुण्य का काम है जिसमें सब लोग साथ में आते हैं, उनको लंगर खाने को मिलता है और बहुत बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो बहुत बहुत मुबारक दादा को, पूरी फैमिली को, सबको ब्लेसिंग्स मिले सरस्वती माता की और ये सब चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव। सरस्वती माँ यू नो टैलेंट देती हैं, क्रिएटिविटी देती हैं, तो वो तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत आशीर्वाद मिलता है उनका ताकि क्रिएटिविटी इन्हांस हो और अच्छा काम कर सके। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा ओकेजन है और दादा खुद अपने हाथों से खाना बनाते हैं जो हमने खाया और आपने मुझे खीर भी खिलाई। चटनी बहुत अच्छी है, जो चटनी बहुत अच्छी बनाते हैं। बहुत टेस्टी लगा, बहुत लाइट था और बहुत अच्छा मन से, मतलब बहुत प्यार से बना हुआ, प्यार से बनाया हुआ खाना हमेशा अच्छा ही होता, तो बहुत बहुत स्वादिष्ट था। जैसे दिव्या ने भी बताया कि क्रिएटिविटी की गॉडेसेस हैं वो, तो ऑब्वियसली सबको उनकी ब्लेसिंग मिलनी चाहिए जो भी क्रिएटिव जन है। और हम लोग क्रिएटिविटी और उस टाइप की दुनिया में काम करते हैं, तो हमेशा सरस्वती माता की ब्लेसिंग तो रहनी ही चाहिए और हम होप करते हैं कि हमारे ऊपर सदा उनकी ब्लेसिंग बनी रहे। जी मैंने कोई मन्नत तो नहीं मांगी, मैं सिर्फ मतलब हाथ जोड़ देती हूँ, मन्नत ऐसे नहीं मांगती, बट ऑफकोर्स मतलब हमेशा हमारे साथ रहे सरस्वती माँ और हमें ब्लेस करते रहे, वो तो होता ही, और हम सबको ब्लेस करते रहे ताकि हम और ग्रो हों। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।
पेट भर के खाना खा लिया है तो और भी अच्छा फीलिंग है। मैं कोशिश करती हूँ हर साल आने का, और बंगालियों में सरस्वती पूजा हम बचपन से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, येल्लो पहनते हैं, उस दिन पढ़ाई नहीं होती है क्योंकि बुक्स सब माँ के पास जमा रहता है, तो हाँ तो बचपन में तो बहुत ही अच्छा लगता था। और बॉम्बे में आके ऑब्वियसली होता नहीं है, सिर्फ दादा करते हर साल, तो हम सब पहुँच जाते हैं और कहीं पे भी शूट कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो ये एक दिन है जो हम कोशिश करते हैं कि बॉम्बे में रहे और आके ऐसे एक साथ सेलिब्रेट करें। सब खाया, खिचड़ी लाबरा बोलते हैं, वो जो मिक्स वेज नहीं मिक्स वेजिटेबल होता है उसको लाबरा बोलते हैं, तो वो चार बेगुनी खाया और बहुत सारा चटनी खाया और पायश भी खाया, पायश होता है जो खीर होता है। ओह रियली, ओह आई डिडंट नो दैट, ओके, ओह सुपर। अरे बिल्कुल हर साल करते रहो, और भी अच्छे से और लोग आए, और आई थिंक हेल्थ और हैप्पीनेस और हर साल और भी तरक्की होते रहे, और आई थिंक सरस्वती माँ नॉलेज की डेटी है और उनका आशीर्वाद हम पे बना रहना चाहिए, हम आर्टिस्ट पे, तो डेफिनेटली आई वुड विश इट ऑल द लक एंड या सॉरी आई एम लाइक सो ज़ोन्ड आउट राइट नाउ, खिचड़ी खा के मुझे बहुत बाय, थैंक यू। ये अनाविला जो डिज़ाइनर है सॉरी उसका उन्होंने डिज़ाइन किया है ये साड़ी और ब्लाउज, और ये आम्रपाली है, ये आम्रपाली है, हाँ मेरे बाल अभी भी गीले हैं तो हाँ इट्स नाइस टू वेयर येलो, यू शुड ऑल्सो वेयर येलो नेक्स्ट टाइम, याद रखना। हाँ हाँ बसंत पंचमी है ना आज, तो बसंत का कलर येलो होता है, तो इसलिए या थैंक यू।